तो दोस्तों ये जो देख रहे हैं ये बालू का हम लोग फिल्ट्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे। बालू बोल के मिट्टी गिरा दिया और देखिए दोस्तों कितना बड़ा बड़ा पत्थर गिरा दिया देखिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, आप सभी को हमारे ब्लॉग में स्वागत। प्लीज दोस्तों ऐसे सपोर्ट कीजिएगा हम लोग को, हमारी फैमिली को, आरव को, मेरा छोटा बाबू को सपोर्ट कीजिएगा। आज हम लोग का बालू गिरेगा। दोस्तों मम्मा भी जूता पहना रही है, बग्गू खाली पे आ जाएंगे ना अभी, क्योंकि मेरा यहाँ जूता नहीं है, मेरा जूता वहाँ है। खाली पैर नहीं जाएगा दोस्तों, मेरा जूता कहीं बार गायब हो गया। ये देखिए खाली, हम ला दे रहे, पकड़ो। खाली खाली, मैं मेरा शूलेस बांध दे रही है क्योंकि मेरा शूलेस खो गया था। खो नहीं गया था, खोल दिया था तुम्हें इससे। अब जैसे ही चलेंगे ना, जंप करेंगे, तभी इसका लाइट जलता है। अब नहीं जलता। दोस्तों मम्मा भी रूम लॉक कर रही है, लोग रूम से निकल गए हैं। चलिए दोस्तों आपको रास्ता लेके चलते हैं। दोस्तों देखिए पापा ऊपर में बंदर के जैसे लटक गए हैं। हम लोग के घर का पेड़ में बहुत सारे मैंगो का है, एक भी नहीं है। छोटा बाबू बारी लग गया ना, पहले इसमें आम नहीं लगा है, तो क्या है इसमें? इसमें तो पत्ता है। ओ इसमें से पत्ता है। और पापा पापा ओ बंदर के जैसा बैठ गए। छोटा बाबू यहाँ पे मस्ती कर रहा है, बदमाशी कर रहा है। चलो छोटा बाबू दिखाएंगे सबको कि हमारे घर में क्या क्या काम हुआ। दोस्तों इधर पापा इतना सब निकाल रहे हैं। दोस्तों मैं कभी किचन के स्लैब बन रहा है, अभी हम देखिए बालू में खेल रहेंगे। मिट्टी ले लेना है, फिर इसको इसके ऊपर डालना है, फिर बन गया मम्मा किचन का स्लैब। दोस्तों यहाँ पे हमारे किचन का जो स्लैब है वो बना के गए थे मिस्त्री लोग, और दो दिन हो चुका है तो उन्होंने बोला था कि ये सारी ईंटा वगैरह हटा देने के लिए। और दोस्तों बोलते हैं ना कि घर बनाना बहुत मुश्किल का काम है, एक एक मतलब बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं ना ऐसे कि ईंट को जोड़ के बनाया जाता है, तो वो चीज़ हम लोग को ये फील हो रहा है कि सच में मतलब एक घर को बनाने में मतलब बहुत मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। हाँ। अच्छा स्टाइल पानी ये करने का, अरे फेंक देंगे उससे बढ़िया यहाँ डाल देते हैं। हाँ कौन नहीं है कि कीमत पानी की नहीं, कीमत प्यास की होती है। हाँ ये तो सुने है ना। हाँ तो इसमें ये पानी अभी जो है इसमें लगा रहे हैं कि इसको प्यास सबसे बड़ी है ना, मतलब कीमत पानी की नहीं होती, कीमत प्यास की होती है कि अगर प्यास है, प्यास में है इंसान, और अगर उस टाइम उसको पानी मिल जाए तो उसके लिए वो, जैसे कि 20-30 रुपए का बॉटल का पानी मिलता है तो वो 50-100 रुपए भी दे देगा क्या। हाँ तो उसी प्रकार ये पानी को फेंके क्यों और आजकल तो ये इंसान के साथ भी हो रहा है, इंसान की भी मतलब अहमियत पैसों से ही होती है। बिल्कुल, आपके पास पैसा है तो आपके पीछे रिश्तेदार, दुनियादारी, भाई बहन सब घूमेगा। जिस दिन आपके पास पैसा खत्म हो जाएगा ना, उस दिन आपका कदर कम हो जाएगा और लोगों की पहचान होने लगेगी। तब लगता है ना, जब आपके पास पैसे होते हैं ना, तब लगता है कि आपके बहुत सारे लोग हैं, रिलेटिव हैं, बहुत कोई है जो आपसे प्यार करते हैं। लेकिन जब पैसे खत्म हो जाते हैं तब सच में पता चलता है कि आपके साथ कौन है। तो दोस्तों ये जो देख रहे हैं ये बालू का हम लोग फिल्ट्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों को बालू वाला ने ठग दिया है। बिल्कुल ही रात को गिराने के लिए दिए थे ऑर्डर, रात में गिरा दिया है, बालू बोल के मिट्टी गिरा दिया और कितना बड़ा बड़ा पत्थर गिरा दिया है। देखिए दोस्तों कितना बड़ा बड़ा पत्थर गिरा दिया, देखिए ये पत्थर गिरा दिया, 3000 रुपया ठग लिया हम लोग। दोस्तों लोग जीती मगर बकरी का तबीयत खराब हो गई, चलिए आपको दिखाता हूँ। चलो बगो देखिए, अभी हम लोग होली खेलेंगे। तो भी पापा भी काम कर रहे हैं, मिस्त्री बाबा भी रास्ता कर रहे हैं।
बस दोस्तों देखिए आप अभी हम बाहर का लाइट लगा के दिखेंगे आप ऊपर देखिए हम ऑन कर रहे स्विच ऊपर दिखाइए आप लाइट को ऊपर दिखाइए मोई मोई नहीं जला नहीं जला ये तो फाइनली हम लोग हैं घर में लाइट लग चुका है बस ये वाला रूम में लाइट नहीं लगा है। हाँ चलिए दोस्तों दिखाते हैं कहाँ कहाँ लाइट लगा है दिखा पहले बाहर दिखाइए हाँ दिखा दिए बाहर तो फाइनली हम लोग का रूम का लाइट लग गया मतलब वायरिंग कनेक्शन हो गया है सारा वायरिंग और यहाँ देख सकते हैं पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं और यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं सो दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हम लोग का जो ये बेड कहाँ पे लगवाना है अभी वहाँ लगाएगा हाँ तो दोस्तों आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए कि बेड किधर लगाना है और टाइल्स का काम अभी पूरा का मैंने क्लियर नहीं हुआ है इसके हाँ स्केटिंग बाकी है पूरा ऊपर का काम बाकी है हाँ आरब झाड़ू लगा रहा है अच्छा झाड़ू लगाओ तो दोस्तों देख सकते हैं कितना बड़ा बल्ब लगा है अब यहाँ हमारा जो है ना चारों तरफ एकदम दिन जैसा रहेगा चारों तरफ उजाला रहेगा क्योंकि सारा सामान वगैरह बिगा हुआ रहता है कोई लेके भी नहीं जाएगा और इसी बीच आशा हो गई उदास क्योंकि आरब नहीं बात मान रहा है मम्मा का हाँ मम्मा का बात आरब नहीं मान रहा है इसलिए आशा उदास हो गई है नहीं हम तुझसे बात करेंगे हम करेंगे ही नहीं ये देखो मनाने का लाख कोशिश हो रही है यहाँ पे नहीं नहीं सुनेंगे तेरा पनीर मंगा पनीर नहीं खाना यार यहाँ फुसलाने का कोशिश गुलाब जामुन हाँ आप दोनों लाम नहीं लाम का ही गेट बना कहीं तो बंद करो ये देखिए दोनों में प्यार हो रहा है लेकिन लेकिन आज आशा मानेगी नहीं नहीं खाना तुम अच्छे से रहो ना कुछ नहीं खाना है छोड़ो बात बहुत बदमाशी किया कुल्हाड़ी तुम छू रहा है कभी तुम ये गैता छू रहा है कभी तुम हथौड़ी छू रहा है मना कर रहे ये सब मत करो देख अब चोट लग जाएगा आप भी बताइए दोस्तों ऐसे कर रहा है इसको चोट लगेगा कि नहीं लगेगा इसको भी पता है इसको चोट लगेगा फिर भी ये कर रहा है और एक को देखिए वो देखिए बोतल से खेल रहा है पानी ला रहा है ये देखिए दोनों बच्चा हम लोगों को काफ़ी परेशान कर दिया एकदम अरे दिन भर का दोनों का ऐसा ही है तो तब से अरब इतना सारा पानी डाल दिया काम करते करते शाम हो गया सुबह से और मिस्त्री लोग भी चले गए हैं यहाँ अरब के पापा पानी डालने का दीवार में कुछ जुगाड़ कर रहे हैं क्योंकि आज हमारा मोटर काम नहीं कर रहा है तो इसी वजह से चापाकल से ही पानी निकालना पड़ेगा और डालना पड़ेगा है ना अरब और अरब पापा का हेल्प कर रहा है हाँ अरब यहाँ से यहाँ तक दिया ये देखिए दोस्तों तो अभी हम लोग जस्ट आए हैं और आने के बाद नहा लिए हैं देखिए फ्रेश हो गए क्योंकि पूरा दिन काम किए हैं धूप में और सीमेंट वगैरह रहता है बालू वगैरह माथा में घुस जाता है तो दिक्कत होती है आशा भी थोड़ा सा फ्रेश हो गई हम भी थोड़ा सा फ्रेश हो गए नहा लिए अरब पढ़ाई कर रहा है क्योंकि उसको पढ़ाई बहुत ज़रूरी है अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो जो दिन में सारा होमवर्क मिलता है वो रात को कम्प्लीट करता है ना
तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, भाई लोग, बंधु लोग, मित्र लोग, मेरे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिएगा दोस्तों, प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों, बहुत दिन से उम्मीद है कि हमारा एक अपना सा जो है वीडियो वायरल हो, ताकि हमें भी सपोर्ट मिले, ठीक है। और बाद बाकी आप सबों ने जो आरब के ऊपर प्यार दिया, अच्छा सा कमेंट दिया, उसके लिए दिल से थैंक यू। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड नाइट।